इस सरकार को तो हम 700 साल तक नहीं भोगने के। कितने साल तक? 700 साल तक। आने वाली पीढ़ी से ही बता के जाऊंगा इस सरकार को वोट मत दियो। इतना खफा हो जाएंगे आप? जिसके 700 किसान मर गए होंगे खफा ना होंगे? जिसके मर गए होंगे समझाने बुझाने के लिए तो कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर भेज रहे हैं। आके तो दिखाओ गांव में, तार गए इनकी गांव में क्यों ना आ रहे, आए क्यों ना? इतने दिन हो गए प्रचार वचार करते हुए, बीजेपी का कोई नेता इस गाँव जलालाबाद में नहीं आया है। सबसे पहले बुजुर्गों से जानकारी ले लेते हैं कि अपने कार्यकाल में कभी ऐसी सरकार देखी थी कि नहीं देखी थी, योगी जी ने कैसा कामकाज किया है, कितना नंबर देना चाहते हैं, सीधे जानकारी लेते हैं। बाबा जी आपने 5 साल कार्यकाल योगी जी का देख लिया, सरकार कैसी लगी? हमें तो गलत लगी जी सरकार, तो कांग्रेस भी आई और बहुत सरकार आई पर इससे निर्मल सरकार ना आई, इससे बेकार सरकार नहीं देखी ना। आपस में झगड़े पिसाद मुठभेड़ आपस में दिखानी। अच्छा आपने जो है मायावती जी की सरकार, मायावती बेहतर इससे बहुत काम करा, बहुत अखिलेश यादव की सरकार भी देखी बहुत ठीक रहा, बड़े अच्छे किसानों को पैसे दिवाए दोनों सरकारों ने, भाव मिले। और योगी जी के 5 साल कुछ नहीं बड़ा, किसानों का कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सम्मान निधि दे रहे थे, हमें तो पता ही नहीं, हमारी तो देख लो खाता जाकर हाँ। कोई निधि हो कोई छूट हो हमें हाँ। हमें तो कोई नहीं। अच्छा, किसानों को क्या चाहिए जो सरकार ने नहीं कर? हमें उचित भाव चाहिए अपना हाँ। बालकों की ना पढ़ाई उढ़ाई का साधन चाहिए हाँ। अच्छी भाई रोजगार मिले हमारे मजदूरों को भी, हमारे बालकों को, जिससे अपना खावे कमावे अपने बच्चों में खर्च करे, या हमारे नाज या ये देने से क्या फायदा? ये तो एक मांगने वाला भी, मांगने वाले ही होगी जैसे मांग के खाने वाले, जो अनाज मिल रहा है हाँ, भिखारी कहो, इससे तो बेरोजगारी तो होगी। तो ये सरकार जो फेल रही है आपकी नजरों में? हमारी तो नजरों में फेल है। तो फिर आप किसकी सरकार चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर योगी सरकार कोई दोबारा देखना चाहते हैं? हम तो ये गठबंधन है हमारा, इसकी साथ ही गठबंधन के साथ है, चाहते हैं कि गठबंधन आए आए तो भरोसा है आपको? हाँ हमें उम्मीद है, बिल्कुल दिल से है कि सत्ता में आएंगे तो मतलब किसानों के लिए कुछ करेंगे हाँ। उम्मीद है, उम्मीद है। चलिए और भी लोग हैं जानकारी लेंगे हाँ जी, तब पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं। आप बोलेंगे ही नहीं क्यों, ठंड लग गया, ठंड मान गया आप? ये बेईमान सरकार है, ये किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचती है। इन्होंने कहा था गन्ने का भाव जो है हम 13 दिन बाद 14 दिन बाद में देंगे ना, वो दिवाया हाँ। अगर किसी फैक्ट्री ने दिया हो हाँ। तो आप बताओ, रही बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई है वो बिल्कुल ख़त्म होगी, बेरोजगारी होगी। हम मिल के गन्ना किसान मतलब किसी को बुला के खेत कटा ले, वो खेत नहीं कटते अब हमारे, क्योंकि मोदी जी गल्ला दे रहे हैं उनको, पूरे महीने का गल्ला दे रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं जाता, हम परेशान है किसान, इसलिए सरकार बदले। अच्छा अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों के सभी फसलों पे जो है लगभग MSP दे देंगे, तो आपको कितना विश्वास है? हाँ विश्वास है उसके बाद हाँ। विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। गठबंधन अगर वो भी ऐसी करेंगे जैसे पिछली सरकार ने, तो 5 साल के बाद वो भी बदली हो जाएगी, वो भी बदली हो जाएगी। तो आप अभी अभी फिलहाल सरकार कैसी लगी आप योगी जी की, और योगी जी ने तो हम पे जो है गन्ना जो है खेतों में पड़ा रह गया, और गेहूं का अनाज जो है वो खेतों में पड़ा रह गया, एक आदमी किसान है उस पे अपना खेत नहीं कटने का है हाँ। सबको जिसके पास है नहीं उसके उसके पास जाते हैं तो वो तो कहते हैं जी हमारा तो हिसाब नहीं है मिल के किसानों में चलने का, तो किसान तो गया, किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। आप क्या मानते हैं? सरकार फेल रही है, सरकार फेल रही है बिल्कुल। क्या क्या मुद्दों में फेल रही है? पहले तो बात बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में ही फेल हो गया, एजुकेशन फेल हाँ बिल्कुल होगी जी। अब तब मानो बच्चे लॉकडाउन लगा दिया हाँ। किसान पे 5 बीघे जमीन है हाँ। 2 बच्चे हैं, स्कूल की पढ़ाई देगा या मोबाइल खरीदवाओगे या उनका पढ़ाई फीस देगा, क्या करेगा बताओ? है तो सरकार तो रही आदमी, क्योंकि किसान मजदूर की सरकार कहाँ रह गई है, गरीब आदमी किसान आदमी कहाँ से पढ़ाई देगा उन बच्चों की फीस? जब इसने ये लॉकडाउन लगाया और स्कूलों की फीस बरकरार रही, इनने उनकी फीस माफ़ करवाता बच्चों की,
हैं, कहाँ से लोग इनके मोबाइल और वे खरीदेंगे। सरकार देखा कोई नए अस्पताल या फिर नए स्कूलों का यहाँ पर कुछ देखा? क्षेत्र में कोई फैसिलिटी नहीं हुई इस सरकार से, सिवा नुकसान के जी, कोई फैसिलिटी नहीं हुई। ये किसानों के फसल और ये खा रहे हैं बिजार, हैं किसान वहाँ रात दिन पड़े रहो, अरे बिजार को मार दो तो दंड है, और किसान को मार दो बिजार टक्कर जाए उसका कुछ नहीं, उस पर केस लगेगा। तो यूं सरकार, इसने यूं कराया सरकार ने, कुछ तो काम सरकार ने अच्छा किया होगा, कुछ काम याद आ रहा। देखो हमारे यहाँ तो कोई अच्छा नहीं करा, जहाँ करा होगा वहाँ करा होगा, ये गोरखपुर में या वहाँ कराओ तो कराओ, बाकी यहाँ नहीं करा इसने। अच्छा जी, यहाँ तो किसान फेल है सरकार बिल्कुल। गंगा जी पे जल्द आकर कसम खाई योगी ने, मैं पैसा तो अपने दिन में दुआ दूंगा, मरा ना दुआया, एक पैसा भी ना मिला हमें, भूखे मरे बालक, कहाँ से लावे हमें बताओ। साल भर में पैसा कमाई हो गया, साल का साल एंड वर्ड पड़ा पैसा, कहाँ से बालकों को पढ़ा, कहाँ से ब्याह करें हम, लेबर आ रही है भुक्की मर रही है, पैसे देने को तैयार नहीं, भगने को ले जाए सो रही है, फसल बिना गिनने की मारी तो। वाकई में यही जो है, आप थोड़ा इधर आ जाइए, वाकई में ये किसानों की जो है जो पूंजी होती है, जहाँ से जो है इनका सोर्स रेवेन्यू जो जनरेट होता है, वो किसानों की जो खेती हो से उससे जो होने वाली आमदनी होती है उसी से होता है, उसी से सब कुछ देख रेख करते हैं। तो वाजिब है इनका बोलना कि जो है घर में जो है बच्चे हैं उनकी शादी से लेकर के पढ़ाई को लेकर के कैसे करेंगे। मिल में पैसा एक मिल नहीं रहा, एक साल हो ली, कहाँ से लाऊं पैसा, कहाँ से खर्चा चला मैं, जो हमारी लेबर छोड़ने मार गया वही भगड़ लग दिया बिना पैसे के। सरकार ने कहा था कि 14 दिन के अंदर, हाँ 14 दिन का पेमेंट करेंगे हम, कहाँ करा पैसा, अभी तो मिला ही ना, पिछली साल का भी नहीं मिला जी, पतड़े आया होगा वहाँ भी कसम खाई, गंगा जी पे गया होगा जब गंगा जल धर का कसम खाई होगी ना, क्या 15 दिन में पेमेंट करवा दूंगा, कोई फायदा नहीं, कोई एक पैसा भी ना मिला। तो फिर आप बड़े नाराज हैं? नाराज तो साफ रहेंगे बिल्कुल, जब हम भूखे मरने लगे तो क्या करें, अच्छे रहे उनके यहाँ। तो फिर अब आपके मन में क्या चल रहा है, चुनाव का समय आ गया है और... देंगे जी। हम तो गठजोड़ को देंगे, पर समझने दे वोट ने, गठबंधन, हाँ गठबंधन की साथ है, गठबंधन क्यों चाहते हैं आप है? गठबंधन क्यों चाहते हैं, सुनवाई करेगी हमारी, जब ये सरकार देख ली हमारे काम न करे तो हम तो दूसरे देखेंगे, दूसरा देखेंगे, हाँ तो दूसरी सरकार देखेंगे तो उस पर भरोसा है। अगर हमारा धरना ना चलता तो हमें 280 के रेट मिलते, हमारे घटके मिलते और भी, और घटके मिलते, हाँ दुराड़े के मेल में 280 का पेमेंट भेज दिया उन्होंने। अच्छा, किसानों को जो है समझाने के लिए जो है बड़े बड़े नेताओं को भेजे जा रहे थे, किसानों से आशीर्वाद लेने के लिए बातचीत की जा रही थी, और खुद जो है जाटों को समझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जो है पश्चिमांचल के दौरे पे है, कैराना से लेकर के जो है शामली तक, पहले तो क्या लग रहा है किसान मान जाए, अब इलेक्शन आ गया सिर पर चल दिया कुछ मांगने किया चले, अब से पहले तो ना आए, पड़े रहे मरे, अब 2 महीने का बिल घटा के दिखा दिया, 2 महीने पीछे इलेक्शन होते हमारा चौगुना बिल होगा गैली। कुछ कहना चाह रहे थे, हाँ जी, किसान वहाँ एक साल धरने पे बैठे रहे, जब ये बीजेपी वाले जब क्यों ना चले आए नेताजी किसानों की सुनवाई करने के लिए, क्यों बैठे हैं ये किसान, जब आ जाते आज इलेक्शन के टाइम में किसान और जाट इन्हें वे आ रहे याद, अरे किसान वहाँ पड़े रहे, जब देखते किसानों की हालत के हुई जाटे और पाले में वहाँ पड़े रहे बॉर्डर पे, एक दिन सुनवाई करी इन्होंने, कहाँ चले गए ये नेता, नेता जब भी तो दिल्ली बैठे एयर कंडीशन में। कह रहे हैं कि सरकार में गुंडा माफियों का जो है सफाया हो गया है, गुंडे माफिया सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में, दूसरे में की में आओ तो ये बदनाम करें, और जो अपनी में है उन्हें ये लकोए फिरे हैं, सबसे ज्यादा केसीसी बीजेपी की सरकार में गुंडों पे हैं, और इन्होंने अपनी सरकार में ले रखे हैं, और योगी जी पे खुद केस है, तो भगवा लहराएगा कि नहीं, नहीं जी, RLD नलका बजेगा, अब क्या नलका चलेगा, हाँ जी पूरा। चलिए और भी लोग हैं, जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे, हाँ जी बात करेंगे, आपसे भी करेंगे, क्यों आप नहीं, आप आपके मन को भी टटोलने आया, मन में क्या चल रहा है ये बता दें, बताओ मन में क्या चल रहा है, चुनाव का समय है, आपने 5 साल सरकार को देख लिया, कैसा रहा कार्य? जैन चौधरी को देंगे हम तो पक्के समर्थन है, गठबंधन के साथ रहूंगे, गठबंधन के साथ, योगी काल क्या करना, गंगा जी पे जागा, गंगा में बढ़ गए, योगी ने कसम खाई गंगा मैया 15 दिन में पेमेंट करूँगा किसान का, 18 महीने में पेमेंट हो गया, 15 दिन महीने लग जाते हैं, हाँ तो पिछले साल का भी 3 महीने का पेमेंट रुक रहा, किसान क्या करे, किसान क्या करेगा, बच्चों को कहाँ ले जाएगा, किसानों की हितैषी सरकार बता रही थी कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, इस बार भाजपा सरकार किसानों की हितैषी, काहे के हितैषी होगी, जब किसान हमने तुम्हें गन्ना घेर दिया, हमें पैसा तो चाहिए, पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं, जब हमें नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे बताओ, तो क्या मान लिया जाए किसानों को समझाने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो कवायतें कर रही है, किसान बावड़ा नहीं है, अपने आप समझो, किसान क्या समझाना, किसान को क्या समझाना, किसान बावड़ा रह रहा है।
जो हम भूख के रहेंगे, भूख से तो होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के जो है तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है पश्चिमांचल में उतर रहे हैं। आपके लोगों पे जो निगाहें, आप किसान जैसे भाइयों पे बहुत ज्यादा निगाहें हैं, जाटों समाज पे पूरा निगाहें हैं, तो क्या लग रहा है जाट मतलब समझा पाएंगे? सुनो सुनो, एक नौकरी कर रहा जो आदमी, अगर उसे तनख्वाह ना मिलेगी वो नौकरी कर लेगा? नहीं करेगा। हम जैसे गन्ना गिर रहे हैं, हमें पैसा, पैसे के लिए तो काम कर रहे होंगे, पैसा ना मिला क्या करेंगे फिर, ऐसी सरकार क्या करेंगे फिर? तो इस सरकार में पेमेंट की दिक्कत रही, सब दिक्कत, ये सारी दिक्कत कौन सी थी? बच्चे छोटे छोटे, ये स्कूल नहीं जा सकते, फीस परमानेंट है, फीस की भी तो छूट होना चाहिए बच्चों ने। हम जब सवाल हम लोगों से जब जाके ग्राम धरातल पूछते हैं, कहते हैं क्या सरकार में काम हुआ, तो कहते हैं कि सरकार ने जो राशन दे दिया, सड़कें बनवा दिया, बिजली दे रहे हैं, राशन दे के ना काम करने का काम कर रहे हैं ना भाई, काम ना करें हम तो ठाली रहोंगे, क्यों दे रहे राशन, आदत बिगाड़ रहे, चोरी का काम सिखा रहे, क्यों सड़कें मजबूत हुई होंगी सरकार, सड़कों खा लें जब पेट में तो कुछ है नहीं, सड़कों खाओगे कौन सी सड़क बनी है? कहते हैं कि बहुत सड़क एक्सप्रेस वे बनवा दिए गांव, बहुत टोल लग रहा है, वो तो मायावती के टाइम से बनते आ रहे हैं, इन्होंने नया कौन सा बनवा दिया, पिछले 20 साल से बनते आ रहे हैं, इन्होंने नया कौन सा बनवाया है? अच्छा, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी कुछ दिन पहले शिलान्यास किया था, कुछ दिन पहले उन किसानों की जमीन हड़प ली सारों की, उन्हें पैसे भी ना मिले अभी तो, जिनकी जमीन ली एयरपोर्ट में बनाने, क्या पैसे मिल गए सब उन्हें? हाँ, नहीं आप लोग तो किसान हैं, आप एक दूसरे से हाँ तो होते हैं। हाँ तो सब किसान, किसी भी किसान को पैसे ना मिले, हमारी रिश्तेदारी ना है, वे बताते ना है हमें, किसी को कुछ भी ना मिला है। अच्छा, मोदी जी जो है उत्तर प्रदेश का दौरा लगातार किए, हमें देखने को मिला, और किसी वजह से आता हूँ आपके पास आता हूँ। सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले जो है योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी तमाम रैलियां किए, तमाम चीज़ों का शिलान्यास किया, उससे कोई फायदा आप देखते हैं? कुछ भी फायदा ना, बताओ क्या फायदा है, हमें गन्ने का पैसे दिलवा दो, सबसे बड़ा फायदा ये है, पिछली साल का पेमेंट रुका हुआ, पिछली साल से पैसे ना मिले अभी तक, अभी तो पिछली साल का ना मिला है, और 2.5 महीने इस साल का हो गया चलते, ना इस साल का मिला ना पिछले साल का मिला पैसा। तो आप लोगों को सड़कों से, राशन से, बिजली जो आ रहा है, राशन कहाँ का, राशन तो हमें ये राशन दे दे के हमें काम ना करने की शिक्षा और दे रहे हैं। अच्छा, पिछले बार जो अरे रोजगार दे, राशन क्यों दे रहे हो, रोजगार दे, पिछले बार भर भर के वोट दिया था। हाँ, पूरा वोट दिया था आपके ना दे, मैं आपके ना दे, मैं पिछली बार दिया था, तो ऐसा क्या हो गया एकदम ही रुष्ट हो गए कि नहीं बीजेपी से एकदम अलग ही होना है, ऐसा क्या हो गया? इन्होंने पिछले आपके पास इन्होंने पिछले 7 साल में पिछले 70 साल का सब कुछ बेच दिया, जो पिछले 70 साल में बनाया था कांग्रेस ने वो इन्होंने 7 साल में बेच दिया, बताओ कौन सी फैक्ट्री छोड़ दी है इन्होंने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन्होंने बेच दी, रेलवे इन्होंने बेच दिया। हिल्ला ना करोगे बिकेंगे वे, हिल्ला करे करो वहाँ जाकर, डिग्री सारे हाथ में नहीं, रोजगार दे देता मैं, अरे इतना रोजगार है NCR में, बूझे मत करने वाले क्या कोई करे भी, यही जड़ा है हमारे यहाँ फावड़ा लेर चल, मेरे पास MA की डिग्री है, मुझे नौकरी ना मिली है कहीं। आप MA है? हाँ। और नौकरी नहीं मिली ना? MA तो इससे बढ़िया नौकरी गई, काम में जुड़ जा तू भी, और खेती कर रहा हूँ, और खेती के भी पैसे ना मिल रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कि आपने जो है मायावती जी की सरकार देख लिया, अखिलेश यादव की सरकार देख लिया, अभी जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार देख ली, तीनों सरकारों में से जो है सबसे अगर अगर तीनों सरकार को अगर देख लिया जाए तो हर सरकार की एक खास बात होती है, आपने इस सरकार में क्या एक चीज अलग देखा सबसे, जो किसी सरकार ने नहीं किया, सबसे अलग काम? इन्होंने केवल धार्मिक काम करे हैं, मंदिर बनाना, धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़वाना, धर्म मतलब जातिवाद की जो राजनीति करी है, भाई ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये काम करें इन्होंने जो सबसे ज़्यादा करें, और इसी काम को ये आज कर रहे हैं, तो ये काम चलेगा इस बार? नहीं चलेगा। हाँ। आपके नहीं चलेगा। हाँ। आपके दंगा कहाँ हुआ है? वही तो कह रहा हूं, सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है, ये अरे सरकार अगर इस काम को ना करते तो ये 2-3 दंगे करवा देते अब तक, अगर हम वहाँ बॉर्डर पे बैठ के ना चिल्लाते ये दंगे करवाऊंगे, हिंदू मुस्लिम करवाऊंगे, तो ऐसे हम वहाँ आवाज़ ना उठाते बॉर्डर पे, तो ये अब तक करवा देते 2-3 दंगे हिंदू मुसलमानों के वोट लेने, क्या भी तो इस वजह से दंगा ना हुआ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, हम तो जी एक ही बात कहेंगे, हम बीजेपी की सरकार को कभी भी वोट ना दें, इन्होंने हमारे 700 किसान मरवाए हैं, और इस सरकार को तो हम 700 साल तक नहीं भोगने के।
कितने साल तक? 700 साल तक। आने वाली पीढ़ी से ही बता के जाऊंगा इस सरकार को वोट मत दियो। इतना खफा हो जाएंगे आप? जिसके 700 किसान मर गए होंगे खफा ना होंगे? जिसके मर गए होंगे समझाने बुझाने के लिए तो कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर भेज रहे हैं। आके तो दिखाओ गांव में तार गएंगे इनकी। आके दिखाओ गांव में तार गएंगे इनकी। गांव में क्यों ना आ रहे? आए क्यों ना? इतने दिन हो गए प्रचार प्रचार करते हुए। बीजेपी का कोई नेता इस गाँव जलालाबाद में नहीं आया है कोई वोट मांगने? क्या और ना इतनी हिम्मत जो शायद कोई बढ़ जाए वोट मांगने? क्या ना ही आएगा कोई? डराएंगे तो कौन आएगा? डरा कहाँ रहे? हम तो आते पूछेंगे हमारे पैसे कहाँ है गन्नों के पैसे। हम तो पैसे मांगेंगे। नून आ रहे हैं तो पैसे कौन देगा? हमें तो गन्ने का पैसा चाहिए। हम तो चाह रहे हैं ये नेता हमें हाँ। हम पैसे लेंगे। हाँ 700 किसान हमारे बॉर्डर पर शहीद होगी। 700 साल तक भी ना भूल गया हमें ना वोट दे कभी भी जीवन में। अच्छा सवाल ये है कि जो है कोई नेता जो है प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे बातचीत करने गए थे तो उन्होंने कहा हमारे लिए थोड़ी मरे हैं और किसकी मरे हैं? मोदी ने तो गलती मान गई अपनी 700 किसान मरवा के क्यों गलती मान गए? गलती मान गया आदमी किसी बीजेपी अपने 700। अच्छा कृषि कानून वापस ले लिए सरकार ने तो इससे क्या किसानों के अंदर से कुछ लग रहा है कि मतलब सरकार जो है मार के वापस गए? 700 किसान शहीद हो गए जब वापस गए ना तो वापस थोड़ी गेता पहले ही ले लेते एक साल पहले ही ले लेते तो क्या दिक्कत थी? कम से कम हमारे 702 किसान मरते तो ना। अगर ये एक साल पहले किसान आंदोलन से जो 3 कृषि कानून लाए थे अगर ये वापस हो जाता तो किसानों के अंदर ये रहती ये दुविधा रहती या फिर आप लोग खुश रहते बीजेपी सरकार? अगर ये कानून ना लाते तो शायद आज इतने नाराज किसान ना होते इनसे। तो जड़ जो है ये तीनों कृषि कानून है जिसकी वजह से किसान कृषि कानून है बिजली का बिल है। अच्छा बिजली का बिल करीब भी 12 का 1500-1600 रुपए महीना का आ रहा है और स्टेटों में फ्री भी है। किसी स्टेट में वो हरियाणा में 250-300 रुपए का बिल है हमारे यहाँ 1500 का बिल है। ठीक है हाँ बड़े नाराज से कुछ कहना चाह रहे थे। चलिए क्या आप कह रहे हम ना दे वोट बिल्कुल भी बीजेपी को? हाँ थोड़े इधर आ जाए इधर कभी भी ना दें। क्यों नहीं देना चाहते? ना देते हमारी वोट हम तो नलके को देंगे। आपकी वोट है बिल्कुल आपकी वोट है। आप हर बार वोट देते हैं सबको लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का भी वोट देने का भी सबका पर्सनली है। मेरा सवाल यह है कि सरकार से आपकी क्यों खपा है? कुछ तो कारण होगा कोई तो रीजन होगा भाई। सरकार से ही पूछ लो जाकर हमसे क्यों पूछ जाना है आपको? सरकार से पूछने जाएंगे पूछ लेना बताइए ना नहीं कुछ तो। अरे नहीं देनी हमें वोट ही है लेकिन अब जानकारी तो लेना है ना कि क्यों नहीं देना चाहते क्यों खपा है सर? जानकारी और हो कर ले मेरे से मत ना करे हम ना दें भैया। अच्छा चलिए पिछले 25-30 साल से बीजेपी को वोट दे रहे थे बिल्कुल कंटिन्यू अब क्या पहली बार बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट देंगे? बीजेपी छोड़ के पहली बार 25-30 साल के बाद पहली बार देंगे किसी और को वोट बीजेपी को छोड़ के। हाँ भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया महंगाई इतनी होगी घर का बिल इतना आ रहा है अब और इतना पहला कभी 12 का नहीं आया कराया आदमी बेकार हो रहे हैं बिल्कुल। मतलब घर का बिल इतना आ रहा है जितना 12 का नहीं आ रहा आया नहीं करा और 12 का तो इतनी ज्यादा हो रहा है आदमी टूटा पड़ा बिल्कुल इस महंगाई की वजह से। जना कैसे गुजरा कर रहे हैं आधी आने में आधे जना बिजली आ रही है पूरी पूरी दे रहे हैं बिजली बाकी बिल इतना बढ़ गया हम का बिल नहीं हम तो कह रहे हैं कि सुविधा लेंगे तो थोड़ा नहीं सुविधा बिल कम ना काम के हिसाब से देगा काम में ऐसे आदमी जो ना होती है पूर्ति कोई नौकरी नहीं कोई चाकरी नहीं खिलाड़ी के पीछे है इसके इसका पेमेंट भी रिकॉर्ड बांध रहे हैं हमने रिकॉर्ड पेमेंट कराया कहाँ से कराया रिकॉर्ड पेमेंट अपने पिछला पेमेंट मिला हमें पिछला 2 महीने का रह रहा अभी और 3-4 महीने अब होगी हमारे मिल पर। तो ये बेल्ट जो है गन्ना ही बोता है यहाँ गन्ना ही बोया जाता है पहले से गन्ना बोया है पहले से ही गेहूं तो अपने लाख पुना खर्चे लाख तो एक भाई साहब ने हमसे ये कहा कि जो है पिछले 25-30 वर्षों में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है लगातार वोट जो है मिलता रहा है लेकिन जो है इस बार काफी नाराज हैं और उसकी जो है हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जो है एक भारी नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है झेलनी पड़ सके। अब आने वाले समय में जो है ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में जो है भारतीय जनता पार्टी इन किसानों रूठे हुए किसानों को क्या मना भी पाएगी ये आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ एक तरीके से सोनी धन्यवाद।